फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको स्क्वायर का मैजिक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, जिसके तीन टाइप्स होते हैं। पहले टाइप में हम देखेंगे कि यूनिट नंबर पे जीरो होना चाहिए, दूसरे टाइप में यूनिट नंबर पे फाइव नंबर्स होना चाहिए, थर्ड टाइप पे दो नंबर का स्क्वायर कैसा करते हैं ये देखते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। टाइप फर्स्ट, there should be a number zero on unit place, मतलब हमेशा unit place पे जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी दो नंबर है, टेन है, बराबर है, टेन का स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर अपना क्या हो गया, यूनिट होता है, सेकंड नंबर टेंस होता है। तो यूनिट के नंबर पे जीरो होना चाहिए, कौन सा भी नंबर रहेगा यूनिट पे जीरो रहेगा, तो यही मेथड से करना है। अब ये जीरो है तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो जीरो, वन का स्क्वायर वन, ये हो गया। अब इसी तरह ट्वेंटी ले सकते हैं, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, टू का स्क्वायर फोर, ट्वेंटी के बाद थर्टी का ले सकते हैं, थर्टी का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर दो जीरो, थ्री का स्क्वायर नाइन, फिर हम फोर्टी का ले सकते हैं, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, इसी तरह हम फिफ्टी का ले सकते हैं, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, इसी तरह हम सिक्सटी का ले सकते हैं, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, इसी तरह हम एटी का भी ले सकते हैं, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, इसी तरह हम हंड्रेड का लेंगे, हंड्रेड का जीरो का स्क्वायर दो जीरो, टेन का स्क्वायर हंड्रेड, तो ये हो गया। इसी तरह हम वन हंड्रेड टेन का लेंगे, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, इलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन, आया। इसी तरह हम वन ट्वेंटी का भी लेंगे, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर, और मैनी मोर एग्जाम्पल ले सकते हैं। हजार तक स्टूडेंट नंबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये देखिए हंड्रेड वन वन ट्वेंटी का फॉर्मल, अभी हम टू हंड्रेड का ले, क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड, ये हो गया। उसके बाद फाइव हंड्रेड का ले सकते हैं, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, फिफ्टी का स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसी मेथड से कर सकते हैं, फिफ्टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा जीरो, दो जीरो, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, अभी हो गया एट हंड्रेड, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर और दो जीरो लगा, अभी नाइन हंड्रेड, दो जीरो तो जीरो का स्क्वायर आएगा ही, नाइन नाइन जा एटी वन, एटी वन टू टू जीरो, इस तरह हम थाउजेंड का भी स्क्वायर ले सकते हैं, जीरो का स्क्वायर दो जीरो, फिर ये जीरो का स्क्वायर दो जीरो, टेन का स्क्वायर हंड्रेड, तो ये इतना आ जाएगा। अब लेट्स देखते हैं टाइप टू, ये टाइप वन हो गया स्टूडेंट, अभी टाइप टू देखते हैं। Type two. There
देयर शुड बी अ नंबर ऑन अ नंबर फाइव ऑन यूनिट प्लेस पे फाइव नंबर रहेगा। तो ये पिछले बार भी मैंने फाइव वाले का बनाया था मेथड, अभी दूसरे मेथड से फाइव का मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 15 है, फाइव का स्क्वायर 25। अभी यहाँ पे 1 है, 1 के आगे एक नंबर लेना, 1 के बाद क्या था 2, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, इधर आंसर 2, तो 225 हो जाएगा। जो ये नंबर रहता है ना टेंस वाला, उसके आगे एक और नंबर लेना। अभी ये हो गया 15, इसके आगे 25 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 है, 2 के आगे क्या आता है 3, 3 × 2 = 6, 6 × 25 आ गया। इसी तरह 35 का लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे क्या आता है 4, 3 × 4 = 12, ये हो गया। इसी तरह हम 45 का ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे क्या था 5, 5 × 4 = 20, इजी मैटर। ये फास्ट है, आपको एग्जाम वगैरह में भी काम आएगा। उसके बाद अभी 45 हो गया, अभी हम 65 का भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे क्या आता है 7, 6×7 = 42, अभी 65 का हो गया। अभी 65 का हो गया, अभी हम 85 का भी ले सकते हैं, 5×5 = 25, 8 के आगे 9 होता है, 8×9 = 72, फिर उसके बाद 85 हो गया, 95 ले सकते हैं। ऐसा कोई भी 5 वाला नंबर रहेगा तो यही मेथड से आपको करना है, 5×5 = 25, अभी 9 है, 9 के आगे क्या आता है 10, 9×10 = 90, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह आप और भी नंबर का निकाल सकते हो। अभी एक और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 125 का कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, अभी 12 है, 12 के आगे क्या होता है 13, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करके देखिए 12 13, 3×2 = 6, 2×1 = 2, 1×3 = 3, 1×1 = 1, तो क्या हो जाएगा 6×5 = 156, तो क्या हो जाएगा 156। इसी तरह आप किस कौन से भी का निकाल सकते हो, जो नंबर रहेगा उसके आगे वाला नंबर लेना है, जैसे 12 है तो 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 का स्क्वायर लिख देना 25, 12 के आगे क्या था 13, 13 और 12 का मल्टीप्लाई करके 156 आ जाएगा। ये टाइप 2 हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 इसमें टू डिजिट नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2-digit number square। इसमें अपना फर्स्ट टाइप लेते हैं हम, जैसे अपना ये 23 बराबर है, 23 का स्क्वायर। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान रखिएगा। ये अपना फर्स्ट नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, और ये अपना 2 जो है वो क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ये माना आपका। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाई का स्क्वायर इधर लिख लेंगे, वाई का स्क्वायर, सेकेंड में क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई जेड मल्टीप्लीकेशन, थर्ड में एक्स का स्क्वायर। तो ये अपना क्या रहेगा, स्टेप ऐसा आएगा, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये सेकंड स्टेप, उसके बाद ये थर्ड स्टेप, लाइन से जाना है। अभी वाई का स्क्वायर, वाई के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बराबर है, फिर एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई क्या है 2 और 3 है, 3×2 = 6, 6×2 = 12, तो 12 का स्टूडेंट यहाँ पे 2 लिखेंगे, इधर नीचे 1 कैरी लिखेंगे। अभी x का जगह पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 और ये 1 क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर है। ये मेथड बहुत इजी है,
कोई भी आपको दो नंबर का स्क्वायर निकालना है, ये मेथड से आप निकाल सकते हो। अभी यही फॉर्मूला रहेगा, भी आगे हम दूसरा नंबर लेते, तीसरा नंबर लेते, वी टेक मोर एग्जांपल्स। अभी यहाँ पे हम 16 लेते, 16 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ये 36 का क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 3 अपना क्या आ जाएगा, कैरी, कैरी को इधर किधर लिख लेते, याद रहना चाहिए। फिर 1 6 6 6 2 12 12 और 3 15 15 का 5, 1 कैरी, अभी 1 कैरी हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2, तो ये इसका क्या आ जाएगा, 256। अभी 16 हो गया, अभी इसी तरह से 23 का हमने देखा। अब टाइप 3 में ये 32 का देखते हैं अपन, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, ये क्या हो जाएगा, 1024। फिर ऐसे ही 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 का 9, 4 कैरी, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और 4 32 का 2, 3 कैरी, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, तो ये 729 हो जाएगा। स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ले लेंगे, 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, तो 1849 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 का 2, 4 कैरी, अभी 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 53, तो ये 53 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।